जय महादेव। मैं सोनिया शर्मा हाजिर हूँ एक और ज्ञान भरी वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया एक शिव महापुराण में वर्णित एक उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय ये वो लोग कर सकते हैं जिनकी कमर में हमेशा दर्द रहता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में हमेशा दर्द रहता है, और ख़ास करके ये जो दर्द है ये रात के समय ज़्यादा आपको तकलीफ देता है। तो उसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय जो पंडित जी ने हमें बताया है मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा। कोई मुश्किल उपाय नहीं है। आपने क्या करना है, सोमवार के दिन या फिर किसी भी दिन जब भी आपका मन हो आप मंदिर में जाकर ये उपाय कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने 5 बेलपत्र लेने हैं और 3 शमी पत्र लेने हैं। नोट कर लीजिए, 5 बेलपत्र और 3 शमी पत्र लेकर और 1 लोटा जल लेकर आपने जो है शिव मंदिर में जाना है। वहाँ पर आप शिवलिंग पर आप पहले बेलपत्र अर्पण करें, शमी पत्र अर्पण करें, उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाएं। और जब आपने जल चढ़ाना है तो आपने जो भगवान का नाम लेना है वो आपने लेना है विश्वकर्मेश्वर महादेव। नोट कर लीजिएगा, विश्वकर्मेश्वर महादेव, ये महादेव का ही एक नाम है। ये आप नाम लेते हुए आप जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद जो जल शिवलिंग पर बहकर जो आप वापस आएगा जलाधारी से, वहाँ पर आपने ये जो जल है ये आपने वापस इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद आप इसे घर में ले आइए और रात के समय जब आप सोते हैं तो इस जल को आपने सोने से पहले इस जल को महादेव का नाम लेकर आपने इसे पी लेना है। तो आप खुद महसूस करेंगे कि रात को आपको जो भी दर्द होता था कमर में, जो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ रहती थी, वो दर्द जो है वो आपका कम हो जाएगा। और धीरे धीरे आप जो है लगातार इस उपाय को आप करिए तो आपका धीरे धीरे जो दर्द है वो भी समाप्त हो जाएगा। साथ साथ में अगर जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ है, जो मेडिसिन खाते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं, वह भी कंटिन्यू करिए और ये उपाय भी साथ साथ में करिए, जिससे आपको बहुत जल्दी जो है वो राहत मिलेगी। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय महादेव।